हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो निकल चुके हैं वो निकल चुके हैं अजमेर के लिए। तो अभी आप देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बज रही है। तो अभी जो है सूरज उगने ही वाला है, तो हम निकल चुके हैं अभी फटाफट जल्दी के लिए। तो अभी जैसे कि हम जो है पहुँच चुके हैं पेट्रोल पम्प पर, तो अभी हम भराते हैं पेट्रोल, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। पेट्रोल भराने के बाद फिर हम चलते हैं आपको यहाँ से लेके फटाफट अजमेर, और दिखाते हैं हमने वहाँ पर क्या क्या शूट करा है। तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो लेट्स गो, हम चलते हैं। तो अब जो है हम वो निकल चुके हैं अब आगे की ओर, आप जैसे कि देख रहे हैं। तो अब हम फटाफट और सीन देखेगा आप, हम क्या सीन देखने को मिल रहा है। तो अभी हम जो पहुंच चुके हैं ब्यावर, पहुंच चुके हैं ब्यावर से थोड़ा सा आगे हम पहुंच जाएंगे अजमेर, फिर वहाँ पर भी आपको दिखाएगा। तो उससे पहले अभी तो अभी जो है हम आप देख सकते हैं कि कितना शानदार व्यू देखने को मिल रहा है सुबह सुबह का टाइम जो है, और अजमेर में भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल थोड़ी सी धूप हो रही है और मौसम वैसे अच्छा ही हो रहा है। खैर, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्यारी जगह लग रही है सुबह सुबह में। राइड करने में मज़ा ही कुछ अलग आ रहा है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि चारों तरफ जो है नज़ारा देखने लायक है, और आप भी अगर आए तो घूमने लायक है अजमेर और पुष्कर। अगर आप राजस्थान के बाहर के तो आप सर्च करेंगे गूगल पर, तो आपको अजमेर और पुष्कर के बारे में पता चलेगा। मैं आपको पुष्कर का भी वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी तो हम फिलहाल जो चल रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कि कैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, और पहाड़ी वाली जगह पर ऐसा होता है। तो अब जो हम आ गए हैं फटाफट अजमेर, तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए सिटी के अंदर। तो अभी हम सबसे पहले चलेंगे दरगाह, फिर हम कुछ खाएंगे। तो उससे पहले जो अभी हम जो है आप देख सकते हैं राइड कर रहे हैं, तो सिटी में आ गए तो थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ेगा, कि मैं वैसे भी सुबह जल्दी निकला था तो मॉर्निंग में ही फटाफट जल्दी पहुँच गया हूँ। तो अभी जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि क्या है बाहर, तो अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो अभी हमने इसलिए कड़ी कचौरी जो कि है अजमेर की फेमस, ये है आप देख सकते हैं, थोड़ी सी मिर्ची, हरी मिर्ची ज़्यादा है, और देख सकते हैं आप साथ में पकवान। तो वहाँ से खाने के बाद जो है हम अजमेर का, जैसे कि आप ये देख रहे हैं रेलवे स्टेशन है, हम ब्रिज के ऊपर से निकल रहे हैं, तो इसलिए आपको साइड में से जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो बाकी जो है मैंने आपको ऊपर से व्यू दिखाया इसका, और अब जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं अब हम पहले अजमेर शरीफ दरगाह, वहाँ से देखने के बाद फिर हम चले गए आगे की ओर। तो अभी जैसा आप देख, थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि गलियाँ जो यहाँ पर वो छोटी छोटी है अजमेर की, पर सिटी आपको बहुत प्यारी लगेगी। अगर आप यहाँ पर आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अजमेर के ही है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी जैसे कि हम जो है निकल चुके हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो अभी हम चलते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं अजमेर के लिए। ज़्यादा अगर मेरे ब्लॉग कुछ ट्रेनों के है, कुछ शूट के है, तो मैं अभी कहीं ना कुछ करता ही रहता हूँ। तो अभी जो है हम बाइक पर निकले राइड करने के लिए, तो अभी हम चलते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि रास्ता जो है कैसा, अगर आप आएंगे तो आप भी इसी रास्ते से ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है यही वैसा रास्ता है यहाँ पर जाने के लिए, कोई अलग अलग रास्ते नहीं है, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि रास्ता जो है कैसा देखने को मिल रहा है हमें। तो अब जो आप देख रहे हैं वो अजमेर शरीफ दरगाह देख रहे हैं आप बाहर से, आप देख सकते हैं सामने से लगता है कोई सिक्योरिटी है, पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सी चाक चौबंद कर रखी है मतलब। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं, तो अभी जो मैं निकल गया वहाँ से, क्यों आपको बाहर से दिखा गया, क्यों अंदर मैं नहीं जा पाया, तो इसलिए अभी जो आप देख सकते हैं कि अभी हम निकल चुके हैं पुष्कर के लिए। तो पुष्कर का जो रास्ता यहाँ से कम आधा घंटा मान लो हमको लगेगा अजमेर से पुष्कर के लिए। तो अभी जो हम निकल लिए यहाँ से, पहले हमने सोचा पुष्कर चल लेते हैं, तो हम आपको पुष्कर भी दिखा देते हैं उससे पहले। और यार सामने क्या दिख रहा है, देखो सामने एकदम शानदार व्यू देखने को मिल रहा है ना, एकदम पानी पानी तो लगता है, झील है। चलो चलते हैं उसके पास में, यहाँ पर वैसे सेवन वंडर भी है, जहाँ पर ताजमहल, कुतुब मीनार सब बने हुए हैं, तो वो भी आपको देखने को मिला है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि सामने जो है एकदम झील देखने को मिल रही है, और आपने मेरे पिछले वीडियो उदयपुर वाला देखा होगा, तो उसमें भी आपको झील दिखाई है। तो चलो रुक के देखते हैं यहाँ पर। पर आप देखिए गाड़ी पास से चल रही है, और मौसम देखिए कितना सुहाना सा मौसम लग रहा है, लगी नहीं लगी मतलब अजमेर में, और ऊपर से ठंडा मौसम, फिर तो क्या कहना। और बारिश के दिनों में तो एकदम मस्त मज़ा आ जाता होगा मतलब यहाँ के लोगों को, कि मैं तो यहाँ पे बस वीडियो बनाना आया हूँ। तो इसलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर रुक के फिर मैं आपको ले कर चलता हूँ पुष्कर दिखाने के लिए फिर। और आप मेरे को बताइएगा कि आपको ये अजमेर आपने पहले देखा हुआ है तो, और आपने ये जगह देखी है कि नहीं देखी, अगर आप अजमेर गए हैं तो। अभी हम फिलहाल यहाँ पर रुक गए हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। फिर वहाँ से जो हम निकल चुके हैं आप देख सकते हैं वापस पहाड़ी वादियों में जो है घूमने के लिए जा रहे हैं। और आप देखेंगे मौसम देखिए, और एकदम सीन देखिए सामने का, एकदम सीनरी जैसा दिख रहा है। तो इसलिए अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से पुष्कर के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि मौसम जो है कैसा चल रहा है,
तो बिल्कुल मज़ा आने वाला आपको अगर आप यहाँ पर आते और फिर फिलहाल पुष्कर में भी चल के देखते कि वहाँ पर और क्या क्या है देखने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर वैसे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जैसे कि आपने सुना होगा पुष्कर के बारे में, तो पूरे वर्ल्ड में जो है पुष्कर जी का मंदिर जो है वो एक ही है। और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ी रास्ते पर से होके जाता है पूरा रास्ता जो है, तो आप देख रहे हैं कि पूरा रास्ता आप देख सकते हैं एकदम घुमावदार सड़क है, क्योंकि पहाड़ पर जो गाड़ी चलती है वो ऐसी चढ़ती है। अब ये देखिए फिर वापस घुमावदार सड़क आ गई। तो वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और उसमें आपको दिखाता हूँ मैं पुष्कर का सीन। तो अभी तो फिलहाल मैं निकल ही चुका हूँ, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ताकि फिर नहीं तो आपको बोर ना लगने लगे। तो फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको सेवन वंडर। तो अभी जैसे कि आप देख ही रहे कि रास्ता जो है कैसा है, और बारिश के दिनों में तो क्या कहना, तो अभी बारिश के दिनों में भी शुरू हो जाएगा, अगर मैं जाएगा तो मैं आपको बारिश के दिनों में भी जो है दिखाऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आपको फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा। क्यों अभी जैसे आप देख रहे कि अभी तो मेरे को टाइम लगने वाला, और सामने देखेंगे आप रास्ता जो है गाड़ी एकदम चढ़ाई पर चढ़ रही है, तो बिल्कुल आपको नज़र आ जाएगा कि रास्ता जो